गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्काउट वर्सेस मूवी के बारे में काफी सारे रिप्लाइज एंड हमको और भी काफी सारी शॉकिंग बातें पता चली। एंड ये चीज के साथ साथ एक और काफी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक चीज मैं बड़ा हैरान होता हूँ देखेगी, जिसके साथ पहले सबका भी दोगलापंती की हद देखो। बंदा उस टाइम पे अल्ट्रॉन के साथ था और पूरे पिक्चर में मेरे को क्या दिखाया गया कि अल्ट्रॉन गलत है यार। हैकर वाले आई थिंक इसका कजिन भाई है कोई, जो हैक किया था, जो पकड़ा था। अबे बॉडी शेमिंग कहां से आ जाती है, तुम मुद्दों के ऊपर तो हे गाइस कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डी भाई मूवी एंड स्काउट के बारे में। तो गाइस स्काउट वर्सेस मूवी का पूरा मैटर अभी तक मैंने आपको तीन वीडियोस में दिखाया है, वीडियो वन, वीडियो टू एंड वीडियो थ्री। तो गाइस वीडियो टू में जब मूवी लाइव आए थे वो स्काउट के बारे में बात कर रही, तो लाइव स्ट्रीम के बीच में गोल्डी भाई उनको कॉल करके रोक दिए थे, जिसके बाद मूवी अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू नहीं कर रहे थे एंड वो स्ट्रीम को भी एंड कर दिए थे। बट इसके बाद कल जब स्काउट लाइव आए एंड मैंने वीडियो थ्री में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो वो टाइम पर गोल्डी भाई भी लाइव कर रहे थे, बेसिकली उनका बर्थडे था। तो वहां पर काफी लोग गाइस उनके चैट में स्पैम करने लगे थे कि स्काउट को रोक लो। तो ये सब के बारे में गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डी भाई बात किए वो मूवी को क्यों रोके थे एंड स्काउट के भी बारे में। अब देख लो, मेरे को फोन आया स्काउट का कि मावी की स्ट्रीम देखो, इज स्ट्रीम बंद बोल रहा है। मैंने वो स्ट्रीम बंद करी, मैंने मावी की स्ट्रीम देखी, मेरे को ऐसा लगा कि वो चैट से इंस्टिगेट होकर और कुछ ना बोल दे या फिर उसके मुंह से ऐसी गलत बात ना निकल जाए जो अननेसेसरी का और क्यों क्रिएट कर दे। तो एज अ बिग ब्रदर टू बोथ ऑफ देम मेरा फर्ज बनता था कि मैंने भाभी को फोन किया, फिर मेरा फर्ज बनता था, फिर मेरा स्काउट का फोन आया, उससे एक घंटे बात हुई, फिर उसने कम्युनिटी पोस्ट में जो डालना था वो आपके आगे डाला, बाद में सेकंड मैसेज आया जो मेरी मम्मी को भेज दे स्काउटिंग कर रहा हूं, देख स्काउट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसिटी वेल, मम्मी इज अ पार्ट ऑफ एसिटी वेल, मम्मी को रोकूंगा ना, स्काउट का स्पॉन्सर इन्वेस्टर देखेगा उसको क्या करना है, जिसने इन्वेस्टमेंट कराया, जिसने स्पॉन्सर कराया टीम को, वो देखेगा कि स्काउट को रोक रहे हैं और ऑल इन जाने दे रहा है वाले। व्हाई इज नॉट स्काउट स्काउट मार्किंग। एंड गाइस गोल्डी भाई बात कर रहे हैं तो ये कंट्रोवर्सी अराउंड वो बात की है गॉड लाइक के बारे में, क्योंकि गॉड लाइक का हमको ये सब कुछ भी मैटर नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही उनकी तरफ से हमको कोई रिएक्शन देखने को मिला। ये चीज गोल्डी भाई को थोड़ा सा हैरान भी कर दी। इस पर वो ये कहे, हैरान होता हूँ देखेगी जो एक और जिसके साथ पहले सबका बीफ रहता था और सभी की बैड बुक्स में रहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ से इंस्टिगेट होता था, दैट ऑर्ग इज डूइंग एक्सेलेंट एंड डूइंग इज गिविंग नो whatever is going around, neither anybody from their org is coming between and poking things in between and taking these things and tabhi unka aage badhiya bhi ho raha hai, but now we'll try ki asset duel mein bhi cheeze क्लीन रहे इसके बाद, इस मैटर के बाद। और कैसे आप देख लेते हैं स्काउट वर्सेस मैटर के बीच में वो चीजें जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुई थी। तो अगर तो याद है मैंने आपको बताया था जहाँ पर स्काउट की तरफ से हमको एक ट्वीट देखने को मिला था, बेसिकली जहाँ पर वो कुछ ये कहे थे कि कुछ लोग दूसरों का फोन यूज करके मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, अगर गट्स होते तो मेरे मुंह पर आकर बोलो ना। तो यहाँ पर गाइस स्काउट बात कर रहे थे मूवी एंड अल्ट्रॉन के बारे में, मूवी अल्ट्रॉन के फोन से उनको टेक्स्ट किए थे। पहले ये चीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी लाइव स्ट्रीम से ये कहे, मैंने इसका साथ देने के लिए अल्ट्रॉन को भी मैंने भाई बोला है, इसको भी भाई बोला था, जब मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, जब मैं गॉडलाइक वालों के रहा, जब मैं ये भी बोल दिया था कि घातक अगर कभी मुंह पे तेरे को कुछ करने का ट्राई करेगा या फिजिकली भी कुछ करने का ट्राई करेगा तब भी मैं तेरे लिए खड़ा हूं, जितने इसके कांड थे इसके सारे कांडों में मैं इसके साथ खड़ा, ऑफ द स्ट्रीम भी मैंने काफी भाई साहब की हेल्प की। उड़ते तीर लेने का शौक, उड़ता तीर लेने का शौक नहीं है, आज तक कोई सामने से आके बोला नहीं ना, तो इसको लग रहा था कि हर चीज मजाक में है। तो जिस दिन ये अल्ट्रॉन की पर्सनल बातें उछाल रहा था उसके पॉडकास्ट के टाइम, जब ये उसकी पर्सनल बातें स्ट्रीम पे उछाल रहा था, तो वो मेरे साथ था, उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको कुछ बोले, जैसा इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसा स्काउट में घातक को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी जब उन्होंने दूसरी बार गाली गलौज भी किया था, इसमें सबको पता है इसका स्ट्रीम पे क्या इसकी बेइज्जती हुई है, क्या इसको क्या मिला था उस टाइम सबको पता है, वैसे ही वो भी बोल नहीं पा रहा था। उसके फोन से मैंने इसको थोड़ा सा बताया जो चीजें अल्ट्रॉन को बोलनी थी या जो बोलने चाह रहा था। एंड इसके बाद गाइस ये चीज पर स्काउट भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए ये कहे, याद है बीच में एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें अल्ट्रॉन ने बहुत सारी चीजें बोली जो राइट नहीं थी, और उस चीज के लिए मैंने स्ट्रीम पे बोला था, मैंने उसको पर्सनल अटैक कहीं नहीं किया था, मेरे को जिसे गलत लगा था मैंने बोला था, उस टाइम मैं अल्ट्रॉन को कॉल कर रहा था और सेम टाइम पे मैंने यार स्ट्रीम पे मैंने बोला था कि मैं मावी को बोलता हूँ, मावी से मेरी बात हो गई है और मावी इसको संभाल लेगा, मावी ने यह बोला है। अब इमेजिन करो दोगलापंती की हद देखो, बंदा उस टाइम पे अल्ट्रॉन के साथ था और पूरे पिक्चर में मेरे को क्या दिखाया गया कि अल्ट्रॉन गलत है, अल्ट्रॉन ही सब चीज तेरे अगेंस्ट है, बेचारा उस बंदे की गलती ही नहीं है कुछ, उस बंदे का फोन लेके, वैसे अल्ट्रॉन ही मेरे को बोला ये चीज कि इन लोग पीते भी थे तो वो थोड़ा भंड था, तो उसका फोन उसे लेके सारा चैट खुद लिखा है और ये बेचारा उसको बोल रहा है कि मेरे को देखना तो क्या तुम लिख रहे हो, तो इसने उससे फोन लेके अपने हिसाब से पूरी चैट करी मेरे साथ गाली गलौज पूरी, ऐसा लग रहा था किसी अलग मवाली से बात कर रहा हूँ मैं, फुल गाली गलौज कर रहा है, मेरे को तब रियलाइज हुआ कि भाई इसने शायद तक किसी और को फोन दे रखा है, दो दिन तक रिप्लाई नहीं है, दो दिन तक अल्ट्रॉन मेरे को ऐसा बोलता है कि स्काउट भाई मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता हूँ, जिस बंदे ने लिखा है उसने मेरे को जबरदस्ती बोला है कि तू एग्री कर ले, तूने बोला है मैं इस पिक्चर से आउट हूँ, और उसके दो दिन बाद ये बंदा मेरे साथ ऑन स्ट्रीम खेल रहा है,
और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो हैकर वाली चीज के बारे में जो कि स्काउट अपने ट्वीट से लिखे थे। अब ऑलरेडी गाइस आपको याद होगा BGS के टाइम पर क्राफ्टर ने एक टीम को बैन कर दिए थे एंड वो टीम में मवी के कजन ब्रदर गुरुकरण भी खेल रहे थे, जिसके बाद मवी लाइव स्ट्रीम पर काइंड ऑफ आकर उनको सपोर्ट भी किए थे। तो वो चीज के बारे में गाइस मवी लाइव स्ट्रीम से बात किए, क्या स्काउट ये चीज के बारे में लिखे थे कि हैकर को सपोर्ट? एग्जैक्टली इस पर बात करते हुए मवी ये कहे, मेरा सेकंड कजन टूर्नामेंट खेल रहा था, ये चीज मुझे ऐसा पता था कि गेम खेलता है, टूर्नामेंट खेल रहा था पहले वाला जिससे वो बाहर किए गए थे, मुझे नहीं पता था वो खेल रहा है। जिनके होंगे समझते हैं कि कोल्ड रिलेशन होते हैं कि हम लोग ज्यादा एक दूसरे को चीज नहीं कर सकते। मैंने पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी हैकर्स को सपोर्ट नहीं करता हूं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको जाके पूछा कि क्या सीन है, तो मेरे को उसने बोला कि हमारा POV गलत गया है। मैं जानना चाहता था कि रीजन क्या है, उस जानने के लिए मैंने अपने क्राफ्ट इंडिया को फोन भी किया कि मुझे प्लीज बता दो कि इन्होंने क्या कांड किया है, आई वांट टू नो। तो दे सेड कि हम लोग इस चीज पे ना बात करें या मैं नहीं बता सकता, तो हम लोग इस चीज पे नहीं बात करते हैं, ठीक है, टॉपिक क्लोज। दूसरा टूर्नामेंट वो लोग खेले, मुझे पूरा टूर्नामेंट नहीं पता था कि वो टूर्नामेंट खेल रहा है। एक दिन रैंडमली, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरे को उसका फोन आया कि वाईफाई चल रहा है क्या? वो बोला कि मेरे मैचेस हैं। मैंने कहा तेरे मैचेस कौन से? आज तो मेरे मैचेस हैं। वो बोलता कि मैं भी टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, कहता नाम बदल के खेल रहा हूँ। मैंने कहा यार तेरे को क्राफ्टन वाले नहीं कुछ बोलेंगे के? तो बोलता है कि हमारे आधार कार्ड लेके क्राफ्टन वालों ने प्रूव कर दिया, उन्होंने ही हम खेल लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, इसको क्या लगा कि ये दो चीजें अगर ऑनस्ट्रीम सोशल मीडिया पे मेंशन करेंगे और ये कूल लगेगा उस चीज से। अब उस चीज से मुझे रिलेट कर दिया गया कि उसका भाई है, उसका भाई है। एंड इसके बाद गए जब कल स्काउट लाइव आए, वो भी ये चीज के बारे में फिर रिप्लाई किए, वो भी आप देख लो। हैकर वाली बात यार, हैकर वाली आई थिंक इसका कजिन भाई है कोई, जो हैक किया था, जो पकड़ाया था, बस वही बात है और कुछ नहीं है। और कोई बात ही नहीं इसमें हैकर वाली बात, जो हैकर गलत है गलत है यार, कोई वो किसका भी भाई हो, बेटा हो, बहन हो, कुछ भी हो, हैकर इज हैकर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट वर्सेस मवी के अराउंड एक और कंट्रोवर्सी हो गई। तो बेसिकली गाइस 4 साल पहले जब स्काउट एंड मवी एक साथ थे तो उनके फ्रेंड हस्तर भी हुआ करते थे। तो कल अपनी लाइव स्ट्रीम से हस्तर काइंड ऑफ ये गए थे कि गिल ने वो टाइम पर उनको धोखा दिया था। तो इसके बाद गाइस हमको गिल की तरफ से काफी एंग्री रिप्लाई देखने को मिला, वो हस्तर के बारे में ये लिखे, ये मैसेज ये सी हस्तर के लिए, इससे बड़ा जी इंसान नहीं देखा आज तक, कितने साल हो गए हैं वो बात को, एंड ये आज स्ट्रीम पर आकर गाली बकरा है, भाई थोड़ा और काम कर ले बीसी, दो बंदों का चल रहा है उनके बीच में घुसने की ट्राई कर रहा है। हस्तर लाइक बीसी सही टाइम है, मैं भी इनकी स्ट्रीम खोल के व्यूज ले लेता हूँ और किसी दूसरे तीसरे बंदे को गाली दे देता हूँ ताकि व्यूज आ जाएंगे। तू एक घंटा उनकी स्ट्रीम खोल के बैठा था, अगर एक घंटा उनका डैश मार लेता तो शायद तेरे चैनल पर रेड कर देते। फिर गाइस ये चीज पर रिप्लाई करके हस्तर उनको ये लिखे, पहली बात स्काउट और मवी का मैटर है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, वो लड़े या फिर मरे, अबे डैश मेरा करियर पिछले 2 साल से ऊपर नीचे है, मैं फिर भी ये नहीं बोला, व्यूज ही लेने होते तो मेरे पे 100 बात है कम्युनिटी की, सब बोल देता। मैं स्पेसिफिकली ये सारी बात मवी की वो पोचिंग वाली चीज के लिए बोला था, और अगर ये सब वो किसी और के साथ करता तो नहीं बोलता, बट यहाँ पर बात मेरी टीम के लिए थी, ये पोचिंग वाली चीज हमारे साथ ही हुई थी इसलिए मैं बोला। फिर इसके बाद गाइस हस्तर की तरफ से हमको कुछ और स्टोरी देखने को मिली थी, आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। एंड गाइस स्काउट एंड मवी के मैटर के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम एक्सपार्क सारंग की तरफ से। तो गाइस डे 2 की वीडियो में मैंने आपको बताया था जहाँ पर मवी लाइव स्ट्रीम से बात किए थे स्काउट की फ्रेंडशिप के बारे में, तो वहां पर वो सारंग को भी मेंशन कर दिए थे काइंड ऑफ ये कहते हुए कि अभी स्काउट तेरे साथ में फ्रेंड है बट आगे जाके देख लेना क्या होगा। तो जो भी चीज गाइस मवी सारंग के बारे में बोले थे वो चीज पर सारंग उनको रिप्लाई करते हुए ये कहे, मावी ने आपको क्यों गलत बोला? अरे पता नहीं भाई, मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आया कि देखो इनका है ठीक है सॉफ्टवेयर मावी का जो भी है, मेरे से तो कुछ रिलेशन ही नहीं है ना, वो तो ये नहीं समझ में आया उसने मेरे को क्यों बोला ना, उससे मेरा खराब है, उसको भी मैं भाई भाई करके बुलाता हूँ, अब जो मैं नहीं बुलाने वाला, रिस्पेक्ट देता हूँ शायद से वो भी डिजर्व नहीं करता हूँ, है ना, उसको तो भाई रिस्पेक्ट भी नहीं है। एक टाइम से ही था, चल अच्छा कर किया है उसने पहले तो, हाँ उसके लिए था, बट अब वो भी नहीं रहा। जिस बंदा जो बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट करता है तुम उसको ही बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई, तुम लोग आपस लड़े में आपस लड़े में। और गाइस सारंग के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं निंजा बॉय के बारे में जो कि एक टाइम पर मवी के टीममेट हुआ करते थे। तो गाइस अपनी लाइव स्ट्रीम से मवी काइंड ऑफ ये कहे थे कि निंजा बॉय जो कि उनके टीममेट थे उनको पोच करने का ट्राई किया गया था, तो वो चीज पर स्काउट रिप्लाई किया एंड पूरा एक्सप्लेन किए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड फ्रॉम हिज साइड, आप देख लो। पोचिंग भाई, यस पोचिंग वाली बात, ये बात थी लंदन की, जब मैं और थग लंदन में थे तब एक बंदे का कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का वापस, थग भी विटनेस है इस चीज का, कि स्काउट मेरे को बताना यार निंजा बॉय मेरे को सुनने में आया कि जी छोड़ रहा है, अगर कुछ है बनता है तो हमारे ऑर्ग में हमारे टीम में प्लेयर के चेंजेस करने का सोल्टर चाहिए, तो अगर कुछ हो पाया तो मेरे को बताना, अपडेट देना, बस हमारे ऑर्ग का नाम मत लेना। मैं ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सा दोस्त है, दक्ष खेलता रेगुलर बेसिस पे, तो मैंने दक्ष को फोन किया, दक्ष को मैंने बोला भाई ये ऑर्ग है तो एक बार प्लीज पूछ के बता दे, अगर निंजा बॉय फ्री है तो मेरे को बताना, ऑर्ग का नाम मत लियो, तो मैं उस सामने बंदे को बोल दूंगा। तो मैंने इतना बोला, ये भाई को ऐसा लग रहा था कि मेरे को TX में लॉन्डे चाहिए, भाई TX में लॉन्डे क्यों चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी अपने बंदे थे। और हम आते हैं मानने वाली बात पे, जब मैं ये बात चलती सोल में जाने से पहले ब्लाइंड की लाइनअप को हमने जब ऑफर दिया था फ्रॉम टीम एक्सपार्क, उस टाइम पे यही था सीन कि अगर मानने की लाइनअप आ जाती, उस टाइम पे टीम पुकार वाली लाइनअप थी, टीम वर्क नहीं कर रही थी, तो हमने बोला अगर ये लाइनअप आ जाती है तो हम सारंग को साथ रख के चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगे, तो उस टाइम पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, वो चीज़ बहुत अच्छी हुई जिससे हमारी लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई। तो ये थी सारंग वाली बात एंड
कोचिंग वाली बात। एंड गाइस अभी हम लोग हस्तर के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बात के स्काउट एंड मवी की वो बॉडी अपीयरेंस बात के बारे में डे वन पर हमको स्काउट की तरफ से सुनने को मिला था, जिस पर मवी रिप्लाई किए थे। तो स्काउट एंड मवी के ये चीज पर बात करने के ऊपर हस्तर थोड़ा गुस्सा हो गए थे। अब देख लो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स थोड़े से भैंस हैं क्या भाई? बॉडी शेमिंग यहाँ पे कहाँ से आ गई, कहाँ किस रेफरेंस से आ गई और किस चुटकी ने पहले शुरू करी? अबे इनको समझ में आता है कि नहीं आता है बॉडी शेमिंग कितनी बड़ी बात है, और वो भी इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से निकल रही है ये चीज? ये चुटकी क्या थोड़े से, ये भैंस मतलब ये एक पल के लिए खुद भी भूल जाते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स है, वजन बढ़ गया या मोटा गेंडा या भैंस। मेरे को सुनने में आया चैट में ये भी बोल रहे हैं कि पांच फुटिया और वो सब, तुम भैंस मुद्दों के ऊपर करते रहते हो और तुम खुद इतनी गंदी हरकत करते हो कि तुम बॉडी शेमिंग ले आते हो। एंड गाइस हम लोग ये पूरे मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये चीज काफी बड़ा इफेक्ट करने वाली है करियर पे दोनों के? ये चीज के बारे में गाइस गोल्डी भाई बात किए, उनकी एक ब्रांड से भी बात हुई थी। अब देख लो, कल मेरे को एक बहुत बड़े ब्रांड के बंदे ने बोला, मैसेज भेजा, दिस शुड स्टॉप अदरवाइज ऑलरेडी द मार्केट कंडीशन इज वेरी फ्रेजाइल एंड ऑल दीस थिंग्स विल रिजल्ट इन मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स एंड बस ये बोलूंगा कि एक समय था कि जब इन चीजों को बचपना बोला जाता था, बट अब बचपना नहीं बोला जाएगा, अब इन चीज़ों को फुली ग्रोन एस मैन डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, इधर फ्रॉम मावी साइड इधर फ्रॉम स्काउट साइड, दोनों की तरफ से गलत है। एंड डू नॉट लाइक ऑल दिस डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम नोइंग दैट एक टाइम पे बचपना था, अब ये बचपना नहीं खिलाएगा। लेट बोथ फेस इक्वल कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी होगा वो आप लोग को नहीं दिखता, वी आर इन दिस गेम सिंस अ लॉन्ग टाइम, और हमें पता है बैक एंड पे स्पॉन्सर्स इन्वेस्टर्स उन पे ये सब चीजें किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो बस गाइस सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।